खुटन क्षेत्र के मेड़ा गांव में दो दिवसीय ऐतिहासिक विजयदशमी के अवसर पर कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां कुल मिलाकर 40 जोड़े पहलवानों ने दंगल प्रतियोगिता में जोर आजमाइश की। दंगल प्रतियोगिता में दूर दराज से आए हुए पहलवानों ने अपने दाव पेच दिखाते हुए कुश्ती खेली। छोटी बड़ी 40 जोड़े कुश्तियां लड़ी गई। कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन समाज सेवी राजेंद्र प्रताप सिंह हाथी वाले ने किया। उन्होंने कहा कि खेल से आपसी सौहार्द बढ़ता है और इससे शारीरिक और मानसिक क्षमता भी बढ़ती है। गांव में इस तरह के आयोजन आए दिन किए जाते रहने चाहिए, जहां पर सबसे रोमांचक कुश्ती का मुकाबला टिंकू खोबरिया और प्रदीप कोलिया के बीच हुआ, जिसमें टिंकू खोबरिया ने प्रदीप कोलिया को जोरदार पटकनी देकर वाहवाही लूटी। जौनपुर से ये थी विपुल सिंह की रिपोर्ट।